नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये है हमेशा की तरह टॉप 5 गैजेट अंडर 500 रुपीज़ का एपिसोड। और आज भी मैं लेके हूँ 5 ऐसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग गैजेट्स जो आपको मिल जाएंगे 500 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते इस वीडियो को। बट गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे जो सबसे पहला गैजेट है वो है ये पबजी मोबाइल गेम कंट्रोलर। और यहाँ पे उसके एक्चुअल इमेज आपको देखने मिलती है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। सो गाइस, ये है वो एक्चुअल पबजी गेम कंट्रोलर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये एक्सटेंड भी होता है जिसमें काफ़ी बढ़िया स्प्रिंग दी है। पीछे की तरफ आप इसे मोबाइल स्टैंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके एक्चुअल ट्रिगर्स। सो बस आपको पीछे की तरफ उसे प्रेस करना है और यहाँ पे ये ट्रिगर वर्क करेंगे। सो अभी हम इसे गेम में यूज करके देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सो जैसे आपने देखा काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है और इसका जो गेम प्ले है वो भी स्मूथ हो जाता है इसकी हेल्प से और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जैसे आप देख सकते हो पीछे जैसे आप ट्रिगर प्रेस करते हो यहाँ पे जो फायरिंग है या फिर जूम इन जूम आउट है काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। और प्लस आप इसे मोबाइल स्टैंड के भी तौर पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियोज़ वगैरह देखना है सो बस आपको जो ट्रिगर्स है उसे ऊपर लिफ्ट करना है और फिर आप इसकी हेल्प से वीडियोज़ भी देख सकते हो। सो काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग ये पबजी कंट्रोलर है। सो यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये जैकॉम का स्मार्ट नेल। और बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये है उसका स्मार्ट नेल। काफ़ी स्लिम है और आप देख सकते हो इसका साइज़ कितना कॉम्पैक्ट है। सो बस आपको नेल्स के ऊपर इसे प्लेस करना है, मतलब स्टिक करना है, तो यहाँ पे हम उसे स्टिक करेंगे। और गाइस, जैसे आप कोई भी NFC फ़ोन के पास इसे लेके जाते हो आप देख सकते हो जो LED लाइट है वो ग्लो करना स्टार्ट होती है। गाइस, ये बेसिकली एक NFC टैग है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो अलग अलग टास्क के लिए। और यहाँ पे आपको एक LED लाइट का फीडबैक भी आता है जो काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा गैजेट मुझे लगा अंडर 500 रुपीज़। सो यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये साइकिल गैजेट जिसमें आपको हेडलाइट और टेल लाइट देखने मिलता है। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे बस आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखने मिलते हैं। सो गाइस, ये है उसका हाई बीम हेडलाइट। तो यहाँ पे लिखा है पावर बीम और आगे की तरफ आपको देखने मिलते हैं LED लाइट्स। ऊपर की तरफ आपको देखने मिलता है बटन, नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है माउंट जिसकी हेल्प से आप साइकिल पे इसे माउंट कर सकते हो। तो अभी हम इसमें बैटरीज इंसर्ट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको इसे ओपन करना है। और गाइस, इसमें आपको इंसर्ट करनी है 4 AAA बैटरीज। सो गाइस, जैसे आप इसे टर्न ऑन करोगे आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट इसकी लाइट है। प्लस साइकिल पे जैसे आप इसे माउंट करोगे जो रोड है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से दिखेगा, स्पेशली नाइट टाइम में। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है सेकंड मोड जो है SOS मोड। सो इमरजेंसी पर्पस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये है वो दूसरा लाइट जो है टेल लाइट। और पीछे की तरफ आपको टर्न ऑन टर्न ऑफ का बटन देखने मिलता है। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पर आपको इंसर्ट करनी है 2 AAA बैटरीज। सो गाइस, जैसे हम इसे पावर ऑन करते हैं आप देख सकते हो काफी बढ़िया यहाँ पे लाइट आ चुकी है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के LED लाइट्स देखने मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रोलिंग लाइट देखने मिलती है, लेफ्ट की तरफ स्क्रोल हो रही है, राइट की तरफ स्क्रोल हो रही है, ब्लिंक हो रही है। सो काफी बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। सो ओवरऑल दोनों भी काफी बढ़िया गैजेट है अंडर 500 रुपीज। सो गाइज, यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये डिजिटल थर्मोमीटर। और गाइज, ये जो थर्मोमीटर है यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देखने मिलता है और यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका डिस्प्ले जिसके ऊपर आपको ऑन ऑफ प्लस डिग्री टेम्परेचर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। तो जैसे हम पावर ऑन करते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है डिटेक्ट हो चुका है। तो अभी हम इसे वाटर बॉटल में सबमर्ज करके देखते हैं क्या इस पानी का टेम्परेचर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेम्परेचर है फॉल हो रहा है क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम है। और प्लस आप यहाँ पे टेम्परेचर को होल्ड भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास है ये वेपिंग मशीन और इसमें जो वाटर है काफ़ी हीटेड है। तो यहाँ पे हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं इसका टेम्परेचर कैसे ये मेजर करता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, जो टेम्परेचर है काफ़ी अच्छी तरीके से राइज हो रहा है और काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। सो गाइस, काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग गैजेट है स्पेशली अगर आपको किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है। सो यहाँ पे जो अगला गैजेट है वो है ये पेन स्क्रू ड्राइवर। सो गाइज, ये भी काफ़ी यूनिक गैजेट है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो एक्चुअल पेन जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। सो ऊपर की तरफ आपको जो नॉब है उसे ओपन करना है और बस आपको इसे पुल करना है और यहाँ पे जो ऊपर की प्लेट है आपको उसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको टोटल 6 एक्सटेंशन देखने मिलते हैं। सो यहाँ पे जो एक एक्सटेंशन पॉइंट है हम इसमें प्लग इन करते हैं कुछ इस तरीके से। सो जैसे आप पीछे का बटन प्रेस करते हो यहाँ पे जो एलईडी लाइट है टर्न ऑन हो जाती है। सो गाइस ये काफी यूजफुल है अगर जहाँ पे लाइट नहीं है और आपको कोई भी रिपेयर वर्क करना है। सो इसकी हेल्प से आप काफी आसानी से रिपेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो अडाप्टर है उसकी हम पॉइंट्स निकालते हैं और वापस प्लग इन करते हैं। सो काफी बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है, प्लस ये पोर्टेबल भी है, आप कहाँ पे भी इसे इजीली कैरी कर सकते हो, प्लस इसकी जो एलईडी लाइट है वो भी काफी ज्यादा ब्राइट है। सो काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग गैजेट है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा उन गैजेट्स का अनबॉक्सिंग काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया सारे भी गैजेट्स थे गाइज, उसमें मुझे पर्सनली एक गैजेट पसंद आया जो था एनएफसी नेल। सो गाइज वो जो गैजेट है काफी यूनिक गैजेट है और वो बेसिकली एक एनएफसी टैग का वर्क करता है। सो आजकल कोई यूज नहीं करता है बट गाइज गैजेट काफी यूनिक है, उसमें एक एलईडी लाइट है और काफी स्लिम है, आपके नेल के ऊपर फिट हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या वो सर्किट है कैसा है। सो काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग वो गैजेट है और बाकी के जितने भी सारे गैजेट्स थे वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। सो गाइज ये सारे गैजेट्स आपको मिल जाएंगे 500 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। सो अगर किसी को इन्हें परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप उन्हें परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही था आज के वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।